कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ पार्टी अच्छा होने से भी नहीं होगा। ता है कि सिंफो को टिकट मिलना चाहिए और सिंफो कम्युनिटी के लोगों को टिकट देना जरूरी नहीं है। 69 तक चकमा लोग आया है तो इसमें हम लोग का बीच में कुछ बदमाश सब में है। सिंफो में भी अच्छा है तो बुरा भी होगा, खराब वाला भी होगा, हर संप्रदाय में वो तो रहेगा। लेकिन बेस्ट लीडर के साथ किस लीडर का नाम लेना चाहेंगे आने वाले चुनाव को देखते हुए? बेस्ट लीडर मतलब बेस्ट लीडर तो हम तो यही बोला कि समलुंग साहब ही बेस्ट लीडर है, अभी तक का जो हम देखा है सबको साथ में लेके चलते हैं ना। कि आप सिंफो जनजाति से आते हैं तो पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या आकर्षक काम किया गया जिसके लिए सिंफो कम्युनिटी को सामलोंग मोसांग जी जो है वर्तमान विधायक उन्हें वोट देना चाहिए या उनके साथ या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? तो सामलोंग मोसांग साहब 2019 से जब वो तो सबको बराबर देखते हैं ना, तो इसलिए बहुत MLA को देखा लेकिन इसका जैसा MLA मिलना मुश्किल है। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। फिलहाल हमारे साथ खड़े हैं सिंधु नोंग सिंफो सर, पूर्व ZPM रह चुके हैं बोरदुमसा के, और भी इनके राजनीतिक अभी तक के सफ़र के बारे में भी थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे और फिलहाल जो राजनीतिक स्थिति चल रही है बोरदुमसा डायन क्षेत्र की उस पर भी कुछ बात करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। नमस्कार, राष्ट्रीय दृष्टि को मेरे ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप पूर्व ZPM भी रह चुके हैं तो आपका अभी तक का जो राजनीतिक सफ़र है वो काफ़ी लोगों के करीब से ही गुजरा होगा। और ZPM के अलावा आप और भी किसी पद में रहे हैं तो थोड़ा बहुत उस बारे में बताइए, फिर मैं सवाल करना शुरू करूँगा। अच्छा अच्छा, मैं 1981 में तिराप डिस्ट्रिक्ट के समय में मैं जिला परिषद मियाओ अंचल समिति में रह चुका हूँ। उसका बाद में इसे 1990 में डिस्ट्रिक्ट युवा कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और 1995 में मैंने भी विधानसभा के लिए कॉन्टेस्ट किया, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। और उसके बाद में काफ़ी मतलब राजनीति में रहा, एक्टिव रहा, एक्टिव रोल किया रहा। उसका बाद लास्ट में ये भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट का स्वच्छ भारत मिशन में भी डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ। अभी उम्र हो गया इसलिए हम खेलने के लिए नहीं, मतलब कोई अच्छा कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए निकला है। फिलहाल आप जिनके प्रोग्राम में आए हुए हैं, जो वर्तमान विधायक हैं सामलोंग मोसांग जी, उनके प्रोग्राम में आए हैं तो शायद ये समझना गलत नहीं होगा कि आप इन्हीं के सपोर्ट में हैं। मैं देखिए, एक तो मैंने जो देखा है हमारा जो प्रेजेंट MLA जो है, ये आदमी बहुत अच्छा है, सीधा साधा आदमी है। मैंने बहुत MLA को देखा लेकिन इसका जैसा MLA मिलना मुश्किल है। ये साफ दिल का है, गरीब है, अमीर है या धर्म अलग है, ऐसा नहीं है। ये सभी धर्म को बराबर देखता है, अपना भूतार हो ना हो फिर भी वो दुख तकलीफ में वो सहायता मदद देता है। और कोई पूछ लेने से आपका भूतार नहीं है बोलने से, हम भूत के लिए नहीं मांगा है, नहीं दिया है, हम तो ये बीमार है ये अच्छा हो जाएगा, भूत तो कोई किसी का होने से भी वो तो देना है देगा, यदि हमको अच्छा पता है हमको देगा, नहीं तो कोई उसका मर्जी, उसमें मेरा से कोई ऐसा नहीं है। ऐसे सर ये जानना चाहेंगे, क्या है आप सिंफो जनजाति से हैं, आप अभी तक के लगभग पिछले एक दशक के जो राजनीति रही होगी बोरदुमसा डायन की उसके काफ़ी करीब ही रहे हैं, चाहे सत्ता में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो, करीब तो रहे होंगे। तो काफ़ी बार एक सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि बोरदुमसा सिंफो जनजाति मालिक हैं, उस विचारधारा के अंतर्गत कहा जाता है कि सिंफो को टिकट मिलना चाहिए, मगर फिलहाल काफ़ी सारे मंच से एक आवाज़ उठती है जिसपे अलग अलग विचारधारा जन्म लेती है और सिंफो कम्युनिटी के लोगों को टिकट देना जरूरी नहीं है, विकास को टिकट देना जरूरी है। तो क्या देखते हैं, विकास ज़्यादा जरूरी है या सिंफो कम्युनिटी को टिकट मिले ये ज़्यादा जरूरी है, या दोनों को मिलाते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि मेरा हिसाब से मेरा विचार में तो ये है कि सिंफो को टिकट मिलना है या नहीं मिलना है वो वाला बात नहीं है। एक तो ये हो गया, मैं पंचायत में तो 1980 जब तिराप डिस्ट्रिक्ट का समय से मैं जिला परिषद मेंबर था और 2000
2003 से हम दो टर्म फिर जिला परिषद मेंबर हुआ, फिर 2014 से 19 तक अंचल चेयरपर्सन हुआ। तो मेरा नज़र में ये है कि यहाँ का पब्लिक या हम सिंफो लोग नहीं चाहता है या नहीं मांगा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने टिकट मांगा। लास्ट टाइम तो हम लोग का सिंफो को ही दिया, लेकिन हम लोग को दुर्भाग्यक्रम से नहीं मिला। लेकिन एक ये है कि अभी हम लोग का जो सामलुंग साहब है वो अच्छा आदमी है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट होते हुए भी उसको जिताया पब्लिक ने। क्योंकि आजकल ये भी देखना पड़ता है कि कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ पार्टी अच्छा होने से भी नहीं होगा। कैंडिडेट सबको देखने वाला ऐसा कैंडिडेट होने से, उसमें देने से भी हम लोग का कोई मन में ऐसे दुख तो नहीं है। हम लोग को टिकट नहीं दिया ऐसा तो नहीं है। पिछले 25 साल से 1990 से सीसी सिंफो साहब को रूलिंग गवर्नमेंट का ही टिकट दिया है। हम लोग रूलिंग गवर्नमेंट में भी वो जब 1990 में जब वो इलेक्टेड हुआ डिप्टी स्पीकर मिला, उसका बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर मिला, तो सरकार से हम लोग का कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि लास्ट 2019 का इलेक्शन में जोराम आयोग को बीजेपी का टिकट दिया, वो हम लोग का सिंह लोग को ही है। तो नहीं मिला, सक्सेस नहीं हुआ, वो बात अलग है। या अभी जो समलुंग मोसांग साहब से है, वो देखिए एक इंडिपेंडेंट होते हुए भी वो इतना काम किया है। शायद ही हम लोग का अरुणाचल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोग का तिराप चांगलांग में तो ऐसा MLA मिलना मुश्किल है। तो अभी इसलिए हम भी बहुत सोचा, ये समलुंग मोसांग साहब जो है ना गरीब ना अमीर ना ये जाति ना धर्म ये सब नहीं देखते, सबको बराबर देखते हैं। इसलिए मैं भी उसका सपोर्ट में आ गया, मैं कोई कंडीशन नहीं रखा, अच्छा आदमी को सोच के हम उसका साथ में हैं। अब भगवान करे वो ऐसे भी बीजेपी का एसोसिएट मेंबर है। मैं तो ये चाहूँगा सरकार, स्टेट सरकार हो या सेंट्रल सरकार, वो उसका क्वालिटी को देखते हुए उसको बीजेपी का टिकट देने से वो जीत नहीं देने से भी वही जीतेगा, लेकिन देने से हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हमारा जो MLA है वो भी काम करने के लिए पूरा दिल खुल के काम करने से देगा, यही मेरा। विकास ज़्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को। हाँ, विकास तो देखिए, विकास तो हम इसलिए बोला कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते MLA होते हुए भी उसने इतना विकास किया। कल को यदि रूलिंग गवर्नमेंट का यदि MLA बनेगा तो और करेगा। और दूसरा ये है कि हम लोग का जो बोर्डुमसा दायुन हमोस्ती जो है, उसमें तो हम लोग 11 या 12 ऐसे जाति है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, लेकिन वो इतना जाति होते हुए भी सबको एक साथ लेके चलना वो सबकी बस की बात नहीं है। तो इसलिए विकास भी जरूरी है और सबका साथ मिलजुल के चलना वो भी। आखिरी सवाल रहेगा सर, ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप सिंफो जनजाति से आते हैं, तो पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या आकर्षक काम किया गया जिसके लिए सिंफो कम्युनिटी को सामलुंग मोसांग जी जो है वर्तमान विधायक उन्हें वोट देना चाहिए या उनके साथ या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इस पर क्या? देखिए अभी हम लोग ने देखा है 2014 में वो PPA से निकम साहब हुआ, उन्होंने तो देखा नहीं कि उसको मालूम है कि बोर्डुमसा दायुन कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना पॉपुलेशन है, इतना वोटर्स है, इतना जातीय संप्रदाय है, इतना धर्म का लोग है, इतना भाषा अलग है, तो उन्होंने तो देखा नहीं। तो समलोम मोसांग साहब 2019 से जब वो हुआ वो तो सबको बराबर देखते हैं ना। तो इसलिए हम लोग को विकास जरूरी है और हम लोग का जो इतना संप्रदाय इतना सालों से हम लोग साथ में है, तो सबको यूनिटी में लाना वो जरूरी है। जहाँ यूनिटी नहीं होगा वहाँ डेवलप नहीं होगा। अभी जो खेल रहा है देखिए, अभी बाहर का जो आता है, जैसे निकमे साहब हुआ, धोनी निक साहब हुआ, बीरी जय साहब हुआ, वो लोग जो आया है तो ये लोग ये देखा है कि अभी ये लोग इतना यूनिटी में है। यूनिटी में वोटर्स आदिवासी है तो ये लोग को कैसे डिवाइड करेगा, वो लोग को ही आपस में लड़वाएगा। और चकमा और हाजुंग है, उसमें घुस क्या वो लोग को लड़वाएगा, मतलब ये डिवाइड पॉलिसी है वो लोग का। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। करीब 4 साल से भी ऊपर से 70 साल जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ तब से आदिवासी है। 1964 से 1969 तक चकमा लोग आया है,
तो इसमें हम लोग का इसमें कुछ बदमाश सब में है, सिंहो में भी अच्छा है तो बुरा भी होगा, खराब वाला भी होगा, हर संप्रदाय में वो तो रहेगा। लेकिन ऐसा अभी तक हम लोग जो चल रहा है वो हिसाब से तो कभी नहीं हो मिला के। सर वर्तमान जो आप देख पा रहे हैं, आप बेस्ट लीडर के साथ किस लीडर का नाम लेना चाहेंगे आने वाले चुनाव को देखते हुए? बेस्ट लीडर मतलब बेस्ट लीडर तो हम तो यही बोला कि समलुंग साहब ही बेस्ट लीडर है अभी तक का जो हम देखा है, सबको साथ में लेके चलते हैं ना। तो एक से तो MLA तो बहुत हुआ है, अभी हम दूसरा जगह में भी देखा है। पॉलिटिक्स तो हम जब अरुणाचल में प्रेम खंडू ठोंगुन थे उसी समय से हम पॉलिटिक्स को याद है, क्योंकि मेरा मिसेस पीके ठोंगुन साहब का चीफ मिनिस्टर का समय में नॉमिनेट MLA हुआ। वो जब MP बनने के लिए गया तो लेगोंग अपोंग साहब को CM दिया, तो वहाँ से लेके अभी दो एक ट्राम को छोड़ के तो हम सभी को देखा है, सभी को पहचानता है। धन्यवाद, आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी टाइम दिया, थैंक यू सर। हमारी बात यहाँ के पूर्व ZPM सिंधुनोंग सिंगफो जी से हो रही थी, उन्होंने क्या कहा वर्तमान राजनीति को देखते हुए, और वो काफ़ी सालों से राजनीतिक में एक्टिव रहे हैं, उन्होंने क्या कहा आपने सुना? उनके विचार से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, मगर इस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में हम तक जरूर पहुँचाइएगा। अभी के लिए इतना ही।